शुरू करता हूँ। एक ख्याल अक्सर मेरे जहन में अटकता है, एक ख्याल अक्सर मेरे जहन में अटकता है कि जितनी शिद्दत से तुम तकते हो चाँद को, क्या वो तुम्हें भी तकता है? शायद नहीं। वो तुम्हें नहीं, जमीन पर फैली गरीबी, भूखमरी और लाचारी तकता है। वो 14 साल की अनाथ बच्ची जो अपनी जवानी से कुछ बेखबर थी, उसके शहर में खबर फैली कि उसकी चोली में 2 चांद छुपे हैं जो रात को बड़े हसीन लगते हैं, और तब से अपने कसे और फटे लिबास में वो अपने चांद को शहर भर हर किसी की नजरों से छिपाते थे। पर गरीब के जिस्म की वही कहानी हुई, एक कोठे में उस चांद की नीलामी हुई। और चिल्लाहटों से पूरा कोठा गूंजता है, सिराहने में आंसू कैद हैं, वो पैर खोल लेट जाती और वादा शहर हर रोज हर रात को बड़ी बेरहमी से उसके चांद को रगड़ता और मसलता है, और ये तुम्हारा बेशर्म चांद बड़ी बेशर्मी से उसे तकता है। पक्षियों से घिरा खुले मुंह सोया वो कबाड़ी का बच्चा दरअसल सोया नहीं, बेहोश है, क्योंकि पिछली रात को भूख से तिलमिलाता हुआ कई घंटों से इधर से उधर हर कूड़ेदान में अपना चांद टटोल रहा था, और आधी रात को एक बदबूदार सड़ी सी पोटली में उसे 2 जूठे दिवाले चांद के मिले। उसने बड़ी बेसब्री से वो पोटली खोली और बड़े प्यार से वो जूठा चांद चखा और फिर लेट गया। अब हर रोज इसी तरह बचा कुचा सड़ा जूठा खाना उसके जीने की वजह बन गई। दिन भर जो कुत्ते उस पर भौंकते रहे, उन्हीं के बगल में सोने की जगह बन गई। वो हाथ का तकिया लगाए किस्मत को कोसता, अपने भूख को धूप में लपेट कर गटकता रहा, और ये बेरहम चांद बड़ी बेरहमी से उसे तकता रहा। वो पागल डरावनी सी औरत जो कभी बाजार, कभी सिग्नल तो कभी नुक्कड़ पे मिलती है, जो एक अधमरे कंकाल को दबोचे शहर शहर फिरती है, दरअसल वो बच्चा उसका चांद है। न जाने कौन अपनी हवस में चांद का बीज उस पागल के पेट में उतार गया, और वो उस अधमरे चांद को लिए दर दर भटकती है, चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, कभी स्टेशन, कभी फुटपाथ तो कभी खुले मैदान में सोती है, कभी धूल, कभी चिड़िया की बीट, कभी मिट्टी तो कभी वो बच्ची अपने ही अंगूठा चूस लेती है। भूख से छटपटाती देख माँ रोते हुए बच्चे के मुंह में अपना स्तन ठूंस देती है, पर अब उसमें दूध नहीं, वो बिल्कुल सूखा है, क्योंकि माँ का पेट भी कई दिनों से भूखा है। सारी रात ये भयानक भूख अपने पांव पटकता रहा, वो सूखा स्तन बच्ची के मुंह के पास उन्हें लटकता रहा, और ये तुम्हारा बेफिक्र चांद बड़ी बेफिक्री से उन दोनों को तकता रहा। तो कहो ऐ मोहब्बत करने वालों, खूबसूरती का दीदार करने वालों, क्यों तकते हो ऐसे चांद को? क्यों तुम्हें इस चांद में इश्क दिखता है, महबूब दिखता है, ख्वाब दिखता है? मुझे तो इस चांद में उस अनाथ की चीख, उस बच्ची का रुदन और कबाड़ी के भूख का सैलाब दिखता है। पर नहीं साहब, हमें क्या ख्याल, हम तो उलझे हैं अपने ही उलझनों में, जहाँ से हम तक सके इस हसीन रात को, नायाब चांद को, हमें तो वो आराम, वो महान, वो कोठी चाहिए, पर इन गरीब की आंखों में थकान और पेट में भूख बहुत है साहब, इन्हें चांद की हसरत नहीं, इन्हें बस रोटी चाहिए। ऐ मोहब्बत के शायरों, ऐ अदबकारों, मैं भी मोहब्बत करूंगा तुम्हारे चांद से, मगर पहले जो इन्हें रोटी दे, नींद दे, ख्वाब दे, आराम दे, वो चांद होना चाहिए, वो रात होनी चाहिए, वरना बुझा दो इस छोटे चांद को, सिर्फ जमीनी हकीकत की बात होनी चाहिए।